हेलो, वेलकम बैक टू फूडी स्नेहा। मैं हूँ स्नेहा। आज की हमारी रेसिपी कच्चे आम से बनके तैयार होगी। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी। बहुत सारी जगहों पे इसे आम की लौंजी भी कहते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ सब्सक्राइब बटन ऐसे क्लिक करेंगे तो बेल आइकन आएगा। बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे तो फिर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं चटनी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ हमने 7-8 आम लिए हैं कच्चे, जिन्हें छीलकर बीज निकाल लिया है और लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून शक्कर ली है हमने। 1 टीस्पून बना हुआ आमचूर मसाला लिया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप इसे इसकी जगह पर धनिया पाउडर और रेगुलर आमचूर मसाला यूज़ कर सकते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे। 1/2 टीस्पून पंचफोरन। 1/2 टीस्पून जीरा। 1 साबुत लाल मिर्च लेंगे और 1 तेज़पत्ता लेंगे और 5 से 6 गुड़ लेंगे, जिसे अच्छे से तोड़ लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 कप पानी लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल डाल देंगे इसमें। जब ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तेज पत्ता और लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च को ऐसे बीच से तोड़ कर डालें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जीरा डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें पंचफोरन डाल देंगे। क्रैकल कर लेते हैं इसे, और जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए आम। मिक्स कर लेते हैं इसे। आम को हमें इसी तरह से मीडियम हाई हीट पर 2 मिनट के लिए लगभग भून लेना है। बीच बीच में चलाकर इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे इसे 2 मिनट तक। अब इसमें हम डालेंगे अपने रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छे से। थोड़ी देर तक इसे मिर्ची के साथ भी पका लेंगे। मिर्ची डालते समय ये ध्यान रखें कि आपने साबुत लाल मिर्च डाली हुई है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तभी मिर्ची डालें, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आमचूर मसाला डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। आमचूर मसाला को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं इसे। अब इसे हमें बॉयल आने देना है। बीच बीच में हम चला देंगे इसे। ये देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया है। तब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। थोड़ा सा चला देंगे इसे। शक्कर डाल देंगे।
गुड़ और शक्कर दोनों का यूज़ करके अगर आप इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कवर करके इसे हम बॉयल आने देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है अच्छे से, मिक्स कर देते हैं इसे एक बार और। लेकिन अभी ये पका नहीं है और ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी नहीं हुई है, तो इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। ये देखिए अभी हमारे आम थोड़ा गलना शुरू हो गए हैं। नमक डाल देंगे इसमें। आमचूर मसाला जो हमने डाला है उसमें नमक पहले से ऐड होता है, तो आप यहाँ पे नमक थोड़ा सा ही डालें। मिक्स कर देंगे इसे। एक बार फिर से लिड लगाकर इसे हम थोड़ी देर तक पका लेंगे। ये देखिए हमारे आम अच्छे से गल गए हैं, ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। थोड़ी देर से और हम पका लेंगे ताकि जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी और अच्छी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। हीट को ऑफ कर देते हैं और इसे इसी तरह तक रेस्ट करने रखेंगे। ये देखिए आम हमारे अच्छे से गल गए हैं। इस चटनी की ग्रेवी आम के पल्प से ही गाढ़ी होती है। ठंडा होने देते हैं इसे। देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छी गाढ़ी बनके तैयार हुई है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी आम की खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही टैंगी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।